चलो भाई चलाओ, यानी भाई चलाओ आराम आराम से। अब इस बार मैं तो बताऊंगा नहीं है कि नहीं। अब अपने आप भरो, क्या अपने आप भरो, हाँ लंबा करो। ये देखिए दोस्तों, गनी भाई मशीन चला रहा है, अभी बैठा दिया मशीन के ऊपर ट्रैक्टर लोड करने के लिए। मैं अभी पीछे बैठ जाता हूँ और आप देखिए किस तरह से लोडिंग करते हैं। ये देखिए, बस बस इतना नहीं उड़ाना, खाली करो करो बस करो। तो ये तीसरी बार है, देखिए दोस्तों। और बोलते काफी लोग भाई कमेंट करते हैं कि भाई हमारा तो भाई मशीन में लीवर के ऊपर दिमाग में बैठता ही नहीं भाई, ये लीवर कैसा है काम करता है पता ही नहीं चलता भाई। देखो भाई, ये देखो भाई, एक ही बार बताया हूँ लीवर के बारे में और दूसरी बार में मशीन के ऊपर बैठा दिया और तभी मैंने सिखा दिया। उसके बाद में चौथी बार अभी आराम से लोडिंग कर ले रहा है, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती मेरे को। बकेट देखो कितना आराम से भर लेता है, थोड़ा सा भी मिट्टी नीचे नहीं गिरता है। ये देखो, बता रहा भाई कमेंट कर रहे किस तरह से मशीन चला रहे हैं। इतना हाइट नहीं बस। ये देखिए दोस्तों, आराम से पूरा मुरु में ना भाई टेलर के अंदर चला जाना चाहिए, है क्या नहीं। ये देखो, ले धीरे धीरे नीचे भरो बकेट अभी। ये देखो, कमेंट करके बता रहा और कितने दिन में सीख जाएगा भाई बताओ। ये देखो भाई, अगर ऐसे ही अगर डेली में मशीन देता रहूंगा ना भाई, एक महीना भी नहीं लगेगा भाई, 15-20 दिन के अंदर मशीन सीख जाएगा। 3 दिन में तो मशीन ट्रैक्टर लोडिंग करना सीख गया है, तो 15 दिन के अंदर तो पूरा मशीन चलाना सीख जाएंगे भाई, अपना गारंटी है भाई। ये देखो, लीवर के बारे में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ये देखो लोड हो गया, ये देखो किस तरह से लोडिंग कर दिया भाई। बताना भाई जरूर कमेंट करके कि भाई आपके दिमाग में बैठता है कि नहीं लीवर के बारे में, आपको एक दिन में समझ में आता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना भाई। आपका वस्त आपको मशीन देता है कि नहीं बताना कमेंट करके, देता है तो कितना मिनट देता है कमेंट करके जरूर बताना भाई। ये देखो, बकेट भरने के बारे में भी मैंने समझा दिया किस तरह से भरना है, किस तरह से दोनों एक साथ में डिपर और बूम दोनों साथ में किस तरह से पीछे लेना होता है इसके बारे में मैंने बताया है। ये देखो किस तरह से आराम से दोनों भर रहा है अभी। वो उधर का, वो उधर का भरो, उधर बहुत ज्यादा है, उधर खोद के रखा हूँ मैं, वो साइड का नहीं भर रहा। तो बस 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 उधर ज्यादा, इधर वो साइड में खोद के रखा हूँ वो भरो। ये देखो, मेन बकेट भरने के बारे में आना जी, बस बस उधर मेन देख लेना चाहिए कि वहां पर लगता है क्या नहीं, ज्यादा उठाना भी नहीं बस उतना। अभी यहाँ पे उठा दिया ना डिपर को, ऐसा लंबा कर दिया ना, ऐसा जजमेंट से देख लेना कि वहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा, उससे 4 इंच ऊपर होना चाहिए समझ। अगर नहीं लगता है तो फास्टली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से दोनों डिपर और बूम एक साथ पीछे लेना होता है, उठाना होता है, बहुत ही बारीक से समझना होता है भाई, तब जाके दिमाग में बैठता है। तो दोस्तों बताओ कमेंट करके और कितना समय में सीख जाएगा, और आप अपने हेल्पर को कितना टाइम तक मशीन देते हो और कितना समय में सीखेगा भाई, कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पेज पर, तो पेज को फॉलो करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।